हे देव व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं मैकनियाजी और आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूं साउंड मैजिक E10C ईयरफोन्स। मैंने इन ईयरफोन्स को परचेज किया है 1699 रुपीज में अमेजॉन इंडिया से, और आपको ये ईयरफोन्स अमेजॉन के अलावा फ्लिपकार्ट, पेटीएम और headphonezone.in पे भी मिल जाएंगे। इसकी जो बेस्ट बाई लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन एरिया में दे दूंगा, आप उन लिंक्स का यूज़ कीजिएगा जिससे मेरे चैनल को भी कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये बॉक्स है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इस पर क्या लिखा हुआ है और फिर हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो बॉक्स पे ऊपर की तरफ लिखा हुआ है साउंड मैजिक और रेफरेंस सीरीज लिखा हुआ है लिसन मोर। नीचे ईयरफोन की पिक्चर बनी है और यहाँ पे 5 साल का ये लगातार ये अवार्ड विनर है वॉट हाईफाई की तरफ से 2011 से लेके 2015 तक, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है E10C इन ईयर हेडफोन विद माइक। उसके नीचे कुछ और बातें लिखी हैं जो कि है कंफर्टेबल फिट एंड डिस्टिंक्टिव डिज़ाइन, रोबस्ट मेटल ईयरफोन बिल्ट टू लास्ट, यूनिक ऑल मेटल ईयरफोन कंस्ट्रक्शन, फिर है पावरफुल बेस बैलेंस्ड विथ सुपर्ब म्यूजिकल डिटेल। उसके नीचे लिखा है यूनिवर्सल स्मार्टफोन कंपैटिबिलिटी। साइड में भी यहाँ पे आप देखेंगे तो E10C लिखा है और ईयरफोन की कुछ डिटेलिंग्स हैं और यहाँ पे इसके प्राइस दिए हुए हैं। जो प्राइस यहाँ पे मेंशन है वो है 3199 रुपीज़ इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, और ये अक्टूबर 2017 की यूनिट है। और नीचे की तरफ काफ़ी कुछ लिखा हुआ है जो कि चाइनीज़ में है, और यहाँ पे भी काफ़ी कुछ चाइनीज़ में लिखा है, ऊपर कुछ इंग्लिश में। तो ये बॉक्स है, ऊपर की तरफ भी E10C मेंशन है। अब इस बॉक्स को हम ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे ये हमें मिलते हैं ईयरफोन्स, रखते हैं इनको साइड में। तो बॉक्स के अंदर और हमें मिलता है ये कैरिंग केस। इस कैरिंग केस पे यहाँ पे चेन पे आप देख सकते हैं तो रनर पे यहाँ पे साउंड मैजिक लिखा हुआ है। इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलता है। तो अंदर की तरफ हमें कुछ बर्ड्स मिलती हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको कि हमें कौन कौन सी बर्ड्स मिलती हैं। इसके साथ आपको 6 pairs ऑफ बर्ड्स मिलती हैं। जो पहला पेयर है वो है डुअल वाला, इसके अलावा लार्ज है, फिर उससे छोटा, फिर ये मीडियम साइज़ का, फिर ये स्मॉल और ये एक एक्स्ट्रा स्मॉल। तो ये बर्ड्स हमें इसके साथ मिलती हैं। रख देते हैं हम इसको वापस से। इसके अलावा हमें मिलता है ये क्लिप जिस पे अगेन आप देख सकते हैं साउंड मैजिक की ब्रांडिंग है। अडाप्टर फॉर कंप्यूटर, ये अडाप्टर है, इसमें आपको 2 अलग अलग 3.5 mm के जैक दिए हुए हैं जो कि एक माइक के लिए है और एक ऑडियो के लिए है, और बाकी यहाँ पे एक फीमेल कनेक्टर दिया हुआ है जो कि 3.5 mm की, यानी अपना आप इसमें ईयरफोन कनेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। एक और इसमें अडाप्टर दिया हुआ है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं साउंड मैजिक लिखा हुआ है और ये 3.5 mm का है, और यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है एक फीमेल कनेक्टर जिसमें आप अपना ये ईयरफोन का पिन कनेक्ट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इन सब पे गोल्ड प्लेटेड है पिंस पे। तो इन सारी चीजों को रखते हैं साइड में और आते हैं हम अपने ईयरफोन्स की तरफ। तो ये ईयरफोन है, अब हम इसको निकाल लेते हैं इस पैकेजिंग से। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं इस केबल की लेंथ। तो ये काफी लेंथी केबल है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको इसका एक फिजिकल ओवरव्यू दे देता हूं। यहां पे इसमें एक कैप लगी हुई आई है जो कि प्लास्टिक की है, नथिंग स्पेशल। नीचे की तरफ आपको मिलता है ये 3.5 mm का गोल्ड प्लेटेड का ऑडियो जैक, और यहाँ पे लिखा है मेड इन चाइना और कुछ भी नहीं है, और ये एल शेप्ड का है। फिर आपको मिलती है ये केबल, केबल में हल्का सा ये प्लास्टिक की फील है, ब्रेडेड केबल है जिससे आपकी इस केबल में टैंगल नहीं पड़ेंगे जल्दी। ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो हमें मिलती है यहाँ पे इसकी एक सीरियल नंबर, और इधर तरफ लिखा है दूसरी तरफ साउंड मैजिक। तो आगे ऊपर बढ़ेंगे तो लेफ्ट वाली केबल में आपको यहाँ पे मिलते हैं कुछ कंट्रोल्स जो कि है वॉल्यूम अप, प्ले एंड पॉज का, और वॉल्यूम माइनस का। इस प्ले एंड पॉज वाले बटन से आप कॉल को रिसीव भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ इसके आपको मिलता है एक माइक। ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे साउंड मैजिक का लोगो है और L लिखा है, इसका मतलब ये लेफ्ट ईयर के लिए है,
और ये बड है। राइट केबल की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हमें मिलती है ये एक्स्ट्रा ग्रिप, जिससे हम अपने जो लेफ्ट वाली केबल है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे अटैच कर सकते हैं अपनी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग। तो इसके ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है ये E10C लिखा हुआ, और यहाँ पे दूसरी तरफ आपको मिलता है लिखा हुआ R। इसका मतलब है ये राइट ईयर के लिए है, और यहाँ वाली जो राइट वाली ईयर टिप है इस पर ये रेड कलर का एक्सेंट दिया हुआ है, और जो लेफ्ट वाली ईयर टिप है इस पर ब्लू कलर का एक्सेंट दिया हुआ है। ये ईयरफोन आपको मिलता है 4 डिफरेंट कलर्स में, एक रेड है, एक गोल्डन है, और एक ब्लू है, और ये गन मेटल है। तो ये गन मेटल वाला मैंने ऑर्डर किया है। तो ये तो रहा इस ईयरफोन का एक अनबॉक्सिंग और फिजिकल ओवरव्यू। साउंड क्वालिटी मैं टेस्ट करूंगा इसको कुछ दिन, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये ईयरफोन्स 1700 प्राइस को वर्थ करते हैं या नहीं वर्थ करते हैं। तो उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरा एक वीडियो अभी पेंडिंग है, जो कि मैंने स्कल कैंडी क्रशर का अनबॉक्सिंग करा था वो अभी पेंडिंग है। मैं उसका भी रिव्यू बहुत जल्द डालने वाला हूँ, और इसका रिव्यू भी मैं अब इसको कुछ दिनों सुनूंगा, और सुनने के बाद फिर मैं इसका फाइनल वर्डिक्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड रहिए, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिसका नाम है मैक नियाज़ी। मैं फ्यूचर में आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग से टेक से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड मीट मी इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।